तो फाइनली रियलमी ने लॉन्च कर दिया है बिकॉज एक ग्रीन टिंट मिलता है। जो स्पीकर्स हैं वो कचरा हो जाते हैं, एक चीप एक्सपीरियंस देती हैं, जैसे कि आप 10-12 हज़ार का कोई चीप ब्रांड का फोन यूज करो। तो रियलमी ने अपना 10 प्रो प्लस फाइनली लॉन्च कर दिया और भाई इसके डिस्प्ले के चर्चे तो कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। तो डे टू डे यूजेज में इसके क्या यूज केस है उसकी बात करेंगे और 9 प्रो प्लस के कंपेरिजन में क्या रियल अपग्रेड है, तो इन सभी चीजों की बात करेंगे। वैसे ज्यादातर डाउनग्रेड ही है, गजब बेइज्जती है। तो लुक वाइज तो पर्सनली 10 प्रो प्लस काफी ज्यादा क्लीन डिजाइन के साथ आ रहे हैं। 9 प्रो प्लस के कंपैरिजन में इसका लुक डेफिनेटली ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन 10 प्रो प्लस के साथ सीन क्या है ना कि ये प्लास्टिक बिल्ड है जो कि चीप फील होता है, लेकिन 9 प्रो प्लस में भाई ग्लास फिनिश दिया है। अगर आप किसी यूजर को दोगे दोनों फोन हाथ में तो डेफिनेटली 9 प्रो प्लस ज्यादा प्रीमियम फील होता है, लेकिन भाई 10 प्रो प्लस लाइट वेट फोन है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक और इसके अंदर पता नहीं लगता कि 5000 mAh की बैटरी दी है और ऊपर से इसमें जो मैट फिनिश दिया ना इस वेरियंट के अंदर भाई इस पर बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट नहीं लगते, लेकिन 9 Pro Plus में जो ग्लॉस फिनिश थी उस पर दबाकर फिंगरप्रिंट लगते थे। हालांकि भाई Realme ने आप लोगों के लिए भी जो ग्लॉस फिनिश पसंद करते हैं उनके लिए भी एक वेरिएंट दिया है जिसमें ग्लॉस फिनिश वाली बैक मिलती है 10 Pro Plus के साथ। तो ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है कि आपको ग्लॉस फिनिश पसंद है या मैट फिनिश पसंद है, लेकिन इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर भाई डेफिनेटली जो 10 Pro Plus है इसकी जो इन हैंड फील है इसमें भाई ये ज्यादा अच्छी ग्रिप बनाता है बिकॉज इसमें जो कर्व डिस्प्ले दी गई ना इसमें राउंड है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा अच्छे से हाथ में होल्ड होता है और यही इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और इस पॉजिटिव चेंज की थोड़ी अच्छे से बात करें तो भाई डिस्प्ले जो कर्व पैनल दिया है, पर्सनली मैं कर्व पैनल का बहुत बड़ा फैन हूं और कर्व ही नहीं यहां पर अगर 9 प्रो प्लस से आप साइड बाय साइड डिस्प्ले को कंपेयर करोगे तो यहां पर बेजल और चिन काफी ज्यादा कम कर दिए हैं। और एक चीज जहां पर रियलमी का हाथ तंग था वो पंच होल भाई साइड में देते थे अभी तक, लेकिन फाइनली रियलमी को लगा कि भाई मिड में दे देना चाहिए, तो भाई जो मिड में दिया है फोन को ज्यादा प्रीमियम फील कराता है डिस्प्ले से। तो मेरे को डिस्प्ले वाइज भाई फ्रंट इसका 9 प्रो प्लस के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा अपग्रेड लगा है डेफिनेटली। और इसी के साथ अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो दोनों में OLED पैनल है फुल HD प्लस HDR 10 प्लस सर्टिफिकेशन के साथ, लेकिन अब जो डिस्प्ले है 1 बिलियन कलर शो कर सकते हैं क्योंकि 10 बिट डेप्थ के साथ ये डिस्प्ले दी गई है और ऊपर से जो हाई रिफ्रेश रेट है पहले 90 हर्ट्ज था इस बार 120 हर्ट्ज का ऐड कर दिया जो कि ऑब्वियसली ज्यादा स्मूथ फील होता है। बाकी हमने आपको एक चीज बताई थी कि 9 प्रो प्लस की डिस्प्ले में भाई रेड टिंट था, जब आप साइड से देखोगे तो पूरी डिस्प्ले रेड लगती थी, तो 10 प्रो प्लस के अंदर रेड टिंट भी नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर मैंने देखा है साइड एंगल से हल्का सा ग्रीन टिंट मिलता है बट ये हल्का सा नोटिसेबल है। इवन अगर आप दोनों को साइड बाय साइड भी देखोगे तो 10 प्रो प्लस की डिस्प्ले में ज्यादा अच्छी शार्पनेस लगती है, कलर एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी लगती है बिकॉज ये ज्यादा अच्छे से कैलिब्रेटेड है। और जैसे कि रियलमी ने इस बार 200 निट्स की पीक ब्राइटनेस बढ़ाई है भाई डिस्प्ले के अंदर, तो पहले 600 मिलती थी अभी 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो ये जब ही नोट होगी जब आप बिल्कुल हार्श लाइट में ले जाओगे दोनों ही फोनों को, जब यहां पर हल्का सा नोटिसेबल डिफरेंस है, लेकिन इंडोर आउटडोर में नॉर्मली भाई ये इक्वली परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सेम पोजिशन पर है और सेम ही परफॉर्म करता है। बाकी जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कर्व के साथ साथ भाई फोन की डिस्प्ले में वो है PWM डिमिंग, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। जब आप लो ब्राइटनेस करोगे तो यहाँ पर फ्लिकरिंग थोड़ी कम मिलती है नॉर्मल फोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर 2160 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है इसकी डिस्प्ले और ट्रेडिशनल वाली 480 हर्ट्ज पर काम करती थी, तो इस वजह से यहाँ पर फ्लिकरिंग कम मिलती है और जब आप लो ब्राइटनेस पर फोन चलाओगे तो आपके नैन चक्षु खराब होने के चांसेस कम होंगे। तो ऐसा हमें भाई अभी तक थोड़ा बहुत तो नोट हो रहा है जब लो ब्राइटनेस पर चला रहे हैं, लाइक आंखों पर थोड़ा सा जोर कम पड़ रहा है। और ये फोन डिस्प्ले के साथ साथ एक न्यू प्रोसेसर के साथ भी आया है जो कि भाई MediaTek का Dimensity 1080 प्रोसेसर है जो कि रिसेंटली इसी फोन के अंदर सबसे पहले देखने के लिए मिला है। अब ये प्रोसेसर हमने बताया था 9 Pro Plus में जो Dimensity 920 प्रोसेसर है उसके कंपैरिजन में कोर सेम है, बस क्लॉक स्पीड 0.1 GHz बढ़ाई गई है और यहाँ पर आप ऑन पेपर भी जाकर इस चीज को देख सकते हो। और सेम ही हमने देखा जब हमने टेस्ट रन कराया, N22 के अंदर माइनर सा डिफरेंस था, Geekbench के अंदर माइनर सा डिफरेंस था, बस CPU थ्रॉटलिंग में जो कंसिस्टेंसी थी उसमें तो सेम था, लेकिन 920 शो करता है कि 90% की कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वहीं पर 1080 ने ये चीज छुपा कर रखी है हमसे, बट यहाँ पर जो जिप्स है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली। तो ऑल ओवर भाई जो क्लॉक स्पीड है वो जितनी बढ़ाई है उतना ही डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला और डे टू डे यूज में भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलरली परफॉर्म करते हैं, बस यहाँ पर 120Hz की एक छोटी सी एडवांटेज मिल जाती है। इसके अलावा अगर गेमिंग की बात करें, जो लोग गेमिंग करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर जो गेम सेटिंग्स है पबजी न्यू स्टेट के अंदर सेम ही देखने के लिए मिली। HDR 60Hz में जब हमने प्ले करा दोनों के अंदर तो सेम कंसिस्टेंसी थी, कोई भी फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने के लिए नहीं मिला, दोनों ही स्मूथ परफॉर्म करते हैं और हीटिंग इश्यूज भी नहीं है, बहुत माइनर से वॉर्म होते हैं दोनों ही फोन इक्वली। लेकिन जहां पर 90 FPS की बात आएगी, तो हमने पुराने वाले 9 Pro Plus के अंदर 90 FPS में गेम प्ले करा, तो ये भाई 60 FPS के ऊपर ही नहीं जाता गेम प्ले के अंदर, तो इसके अंदर मेरे को लग रहा है कुछ इशू है। लेकिन 10 Pro Plus के अंदर जब आप 90 FPS में गेम प्ले करोगे तो 60-70 के बीच में रहता है, हालांकि ये भी 90 टच नहीं कर पाता, तो यहां पर मेरे को ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा सा खेल लग रहा है दोनों के अंदर ही, क्योंकि यहां पर दोनों के अंदर प्रोसेसर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब यहां पर आपको हमने ऑन पेपर भी दिखा दिया है। इसके अलावा अगर आप नीचे वाली सेटिंग्स में खेलते हो तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलरली परफॉर्म करते हैं, तो दोनों को परफॉर्मेंस वाइज भी भाई भाई बोला जा सकता है
सकते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा कोई अपग्रेड नहीं है इसमें। बट एक पॉइंट जहां पर दोनों सेम होकर भी डिफरेंट है, दोनों के अंदर रियलमी यू आई 4.0 है एंड्रॉइड 13 बेस्ड, लेकिन भाई जो रियलमी 9 प्रो प्लस का एक्सपीरियंस है यूआई का वो ज्यादा अच्छा है 10 प्रो प्लस के कंपैरिजन में। और ऐसे मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, लाइक मैंने पहले ही बताया रियलमी का यूआई पर्सनली मेरे को अच्छा लगता था फ्रंट टच ओएस से या अदर यूआई से, ऐसे इस वजह से बिकॉज फीचर रिच था। लेकिन अब उसके साथ साथ ये ब्लोटवेयर रिच भी हो गया है, अंधा ब्लोटवेयर मिलता है इसके अंदर 9 प्रो प्लस के कंपैरिजन में। ऊपर से इसके अंदर जो ऐप रिकमेंडेशन है, जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसे इंस्टॉल करोगे तो भाई बहुत ज्यादा आती है, एक चीप एक्सपीरियंस देती है। जैसे कि आप 10-12 हजार का कोई चीप ब्रांड का फोन यूज कर रहे हो तो देख रहे हो कटौती का हो रही है कर्व डिस्प्ले देने के बाद, तो कंपनी इस तरीके से पैसे निकाल लिए। ऊपर से इसके अंदर दिक्कत ये भी है, लाइक हॉट ऐप हॉट गेम एप्लीकेशन दिए हैं, भाई वीवो भी देता है, मैं यहां पर वीवो को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट वीवो के अंदर आप उसे आसानी से ऑफ कर सकते हो जो दिखे ना, लेकिन इसके अंदर भाई एक टैगी पर्सन ही से जाके ऑफ कर सकता है, काफी अंदर जाकर घुमा फिराकर आपको ऑप्शन मिलेगा जब जाकर आप उसे डिसेबल कर सकते हो। और एक चीज जो कि नॉन टैगी लोगों के लिए फिर से एक प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप स्वाइप अप करोगे मेन्यू के अंदर जाने के लिए तो वहां पर रिसेंट एप्लीकेशन आती है और साथ ही कीबोर्ड खुल जाता है ऑटोमेटिकली, ये भी ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे बाय डिफॉल्ट पहले से ऐसे ना करके दो तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई नॉन टैगी पर्सन इसे बाय करता है, लाइक मैं इस फोन को अपने मम्मी पापा को दे देता हूँ या छोटे भाई को दे देता हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे इस चीज से। तो ये चीज पहले से रियलमी को बाय डिफॉल्ट करके देनी चाहिए। और भाई मैं सीधा से बोल सकता हूँ कि 9 प्रो प्लस का जो यूआई एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा है। अब है तो दोनों एंड्रॉइड 13 बेस्ड, लेकिन भाई रियलमी के इस यूआई के अंदर मुझे एंड्रॉइड 13 के टचेस इतने नहीं मिले, यहाँ पर बिल्कुल भी एंड्रॉइड 13 वाली फील नहीं है। और ऊपर से एक प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर, लाइक जिटरिंग इसके अंदर काफी ज्यादा मिलती है, और ऐसा नहीं है सिर्फ इसके अंदर मिल रही है, 9 प्रो प्लस के अंदर भी जिटरिंग है नॉर्मल डे टू डे यूजेज में भी। तो रियलमी का यूआई एक्सपीरियंस यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। तो पर्सनली यूआई एक्सपीरियंस तो मेरे को 9 प्रो प्लस का ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इसके अंदर जो ऐप रिकमेंडेशन है वो नहीं मिलती। अब बात आती है दोनों की कैमरास की, जहां पर देखा जाए तो डाउनग्रेड भी है अपग्रेड भी है। डाउनग्रेड इसलिए, पहले भाई रियलमी ने ओआईएस दिया था 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ, लेकिन इस टाइम 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है और ओआईएस हटा दिया गया। हालांकि पहले ओआईएस सिर्फ फोटोज के अंदर काम करता था, वीडियो के अंदर नहीं करता था, यहाँ पर साइड बाय साइड हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है और दोनों के अंदर स्टेबलाइजेशन ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अब की बार क्या है कि जो लाइट कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं है, इवन यहाँ पर जो एक्सपोजर शिफ्ट है वो भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिला। इसके अलावा अगर आप 1080p 60fps में वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना भाई 10 प्रो प्लस से, तो पूरी दुनिया हिल जाती है, स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो 1080p 30fps तक आपको थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन मिलती है और वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। अब ओआईएस का मैं यूज दिखाता हूं जो 9 प्रो प्लस के अंदर आपको फोटो में काम करते हुए दिखता है। भाई यहां पर जब आप लो लाइट के अंदर फोटो क्लिक करोगे, भले ही 108 मेगापिक्सल का 10 प्रो प्लस के पास कैमरा सेंसर है, बट 50 मेगापिक्सल यहां पर बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि हल्का फुल्का हाथ शेक होता है तो भी भाई 9 प्रो प्लस ज्यादा अच्छी शार्पनेस लेता है। और इंडोर के अंदर मैक्सिमम टाइम हमें यही देखने के लिए मिला, कलर्स ऑलमोस्ट सेम है दोनों के अंदर, लेकिन जो डिटेल्स है वो 9 प्रो प्लस के पास इंडोर के अंदर मेन कैमरा में ज्यादा अच्छी मिली है हर बार। और इसी तरीके से लो लाइटिंग परफॉर्मेंस, जब नाइट मोड के अंदर आप कैमरास को यूज करोगे तो 9 प्रो प्लस का कैमरा भाई लेजेंडरी है, तगड़ा परफॉर्म करता है और इस प्राइस के अंदर सबसे तगड़ा अभी भी यही परफॉर्म करता है। 10 प्रो प्लस से जब हमने कंपेयर करा, यहां पर आप साइड बाय साइड देख सकते हो शार्पनेस में मेजर डिफरेंस है, और ऑल थैंक्स टू ओआईएस। जो 9 प्रो प्लस के अंदर ओआईएस था वो फोटो के अंदर एक्चुअली काफी अच्छा वर्क कर रहा है और इसका नाइट मोड भी ज्यादा अच्छा है अभी तक। बाकी यहां पर जो 10 प्रो प्लस के पास 108 मेगापिक्सल बड़े सेंसर की एडवांटेज है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर इजीली नोट हो जाती है, जो बैकग्राउंड बुके है वो ज्यादा अच्छा मिलता है 9 प्रो प्लस से। और इसी के साथ इस बार आपको वार्म टोन मिलता है, पहले थोड़ा कूल टोन मिलता था 9 प्रो प्लस में, तो ये चीज थोड़ी सी फिक्स करी गई है। और ऊपर से जो स्किन टोन था 9 प्रो प्लस में, मैंने बताया था आउटडोर के अंदर जाते ही भाई इवन हो जाता था, ऐसा लगता था स्किन पर जैसे प्लास्टिक सर्जरी करा लियो, तो ये चीज भी काफी हद तक फिक्स कर दी गई है और बैकग्राउंड में भी आप इजीली नोट कर सकते हो इस चीज को। तो 10 प्रो प्लस के आउटडोर में तो भाई क्लियरिटी बढ़ाई गई है, और इसी के साथ साथ जैसे अपोजिट लाइट के अंदर आप फोटो क्लिक करोगे तो डायनेमिक रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बाकी कलर्स भी थोड़े बहुत चेंज है, कूल और वार्म टोन वाला डिफरेंस है। लेकिन मेरे को जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो आउटडोर कंडीशन के अंदर थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ लगा, लेकिन लो लाइट के अंदर और नाइट मोड के अंदर अभी भी 9 प्रो प्लस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी अल्ट्रा वाइड के अंदर मेरे को 9 प्रो प्लस अभी भी अच्छा लगा, डायनेमिक रेंज ज्यादा अच्छी है, हालांकि दोनों में इतना बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। और थर्ड कैमरा सेंसर यूजलेस है, 2-2 मेगापिक्सल का दिया है दोनों के अंदर, तो उनकी बात ना ही करें तो बेटर है। इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है वहां दोनों सिमिलर है, लेकिन नंबर में दोनों में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और इस बार फोकस अपर्चर f2.5 का कर दिया f2.4 से, तो यहां पर थोड़ा सा डाउनग्रेड लग रहा होगा, लेकिन इसके एडवांटेज मैं दिखाता हूं। लाइक जब आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वो खुद देख सकते हो। अब देखो दोनों के अंदर एक चीज तो कॉमन है, दोनों 1080p 30fps में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहां पर जो आपका 9 प्रो प्लस है भाई लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं करता, कुछ ज्यादा चमका दिया इसने, लेकिन 10 प्रो प्लस में ये चीज इंप्रूव करी गई है। प्लस 10 प्रो प्लस में ना आपको स्टेबलाइजेशन का फ्रंट में ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन 9 प्रो प्लस में नहीं दिया गया, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी है नॉर्मल वॉक के टाइम पर। बाकी अभी थोड़ा भाग कर देखते हैं किसकी स्टेबलाइजेशन में दम है, उसकी बात करेंगे।
तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि दुनिया किसके अंदर हिल रही है। तो लाइट कंट्रोल इन्होंने इंप्रूव करा है, लेकिन स्टेबलाइजेशन वर्स्ट है। और मेरे एक बात समझ नहीं आई, जो फ्रंट कैमरे में इन्होंने 10 प्रो प्लस में स्टेबलाइजेशन का अलग से मोड दिया है, इसका यूज क्या है? क्योंकि 9 प्रो प्लस में ये नहीं दिया, फिर भी उतनी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो चूना लगा रहा है रियलमी। इसके अलावा पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर तो दोनों का एज डिटेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलरली परफॉर्म कर रहा है, बस लाइट कंट्रोल थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव कर दिया है। फोटो के अंदर जहां पर आप शेडो में खड़े हो दोनों सिमिलरली परफॉर्म करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भाई लाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर किया गया है फ्रंट कैमरे का। और यहाँ पर जो डिटेल्स है वो दोनों के अंदर सिमिलर ही मिलती है। बैकग्राउंड में लाइट है तो दोनों सेम ही डायनेमिक रेंज शो करते हैं। इसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड में मेरे को लगा कि 9 प्रो प्लस का जो एज डिटेक्शन है फ्रंट कैमरे का वो ज्यादा अच्छा है। अभी भी हेयर से आप इजीली देख सकते हैं, एक फोटो नहीं, यहाँ पर हर एक फोटो के अंदर सेम ही रिजल्ट मिले हमें। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो भाई 10 प्रो प्लस के कैमराज में चेंजेस किए गए हैं, लेकिन वहां पर जहां पर 9 प्रो प्लस वीक था, लेकिन 9 प्रो प्लस जहां पर स्ट्रॉन्ग था वहां पर इसके अंदर बहुत ज्यादा कमी है। तो इसे प्रॉपर अपग्रेड नहीं बोला जा सकता कैमरे के अंदर भी। और एक काम का फीचर जो कि 10 प्रो प्लस के अंदर मिस है वो 3.5mm जैक हटा दिए गए, 9 प्रो प्लस के अंदर मिलता था। तो ईयरफोन लगाकर अगर आप गेमिंग करते हो तो 9 प्रो प्लस अभी भी ज्यादा बेटर चॉइस है। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर है, साउंड क्वालिटी की बात करें तो 10 प्रो प्लस के बढ़ा दिए गए, मतलब स्पीकर की साउंड ज्यादा लाउड कर दिया है। और ऊपर से इसके अंदर 200% का एक फीचर और डाल दिया, आप थोड़ी बूस्ट कर सकते हो साउंड, लेकिन वहां पर सिर्फ डिस्टॉर्शन ही मिलता है, जो स्पीकर्स हैं वो कचरा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दोनों के अंदर बैटरी में डिफरेंस है। पहले मिलती थी 4500mAh की बैटरी, अब 5000mAh की बैटरी मिलती है। और बॉक्स के अंदर 80 वोट का चार्जर है, लेकिन ये फोन सपोर्ट करता है 67 वोट की फास्ट चार्जिंग को, और जो 9 प्रो प्लस है 60 वोट की फास्ट चार्जिंग को। और चार्जिंग टाइम भी भाई दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले 1 to 100% चार्ज हो जाता 46 मिनट में, लेकिन अब 47 मिनट लेता है। और यहाँ पर देखा जाए तो पर मिनट mAh भाई 10 प्रो प्लस ज्यादा फास्ट चार्ज हो रहा है। और दोनों के बीच में जो बैटरी बैकअप का डिफरेंस है वो करीब करीब 1 घंटे का का है। यहाँ पर 10 Pro Plus ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा mAh बैटरी भी है। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम, तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप सिर्फ कर्व फोन चाहते हो कम प्राइस के अंदर तो इस फोन की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा भाई फोन के अंदर काफी ज़्यादा डाउनग्रेड है, लाइक लो लाइट के अंदर कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, एंड मैक्सिमम टाइम हम इंडोर के अंदर ही कैमरा यूज करते हैं, तो वहां पर भी 9 Pro Plus की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। डे लाइट कंडीशन के अंदर अलग इंप्रूव करा है, और बिल्ड क्वालिटी में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको नोट हो जाएंगे जब आप दोनों फोन को साइड बाय साइड हाथ में लोगे। बाकी यहाँ पर UI में तो एक वर्स्ट एक्सपीरियंस दे ही रहा है रियलमी, इस बार जो एड है वो भरपूर मिलते हैं, तो अगर आप भरपूर एड चाहते हैं तो इसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी आप कमेंट में बताना अगर आप रियलमी का कोई फोन यूज करो तो आपके फोन के अंदर एड मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो कमेंट में जरूर बताइए। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्द कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस फुकरे टू वॉच योर हार्ट एंड स्टे इन विद द एचपी एंड बॉक्स गाइस।